वर्ल्ड कप के बाद यादव जी का लड़का करेगा बड़ा धमाल, टीम की कमान संभाल कर दिखाएगा अपना कमाल। तय हो गया, स्काई हो गए टीम इंडिया के मुखिया, बड़ी सीरीज में उधेड़ेंगे विरोधी टीम की मखिया। गायकवाड़ और सूर्या के बीच लगी है बड़ी होड़, आगामी सीरीज में तैयार है दिखाने को अपना जोर। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को अभी कम से कम दो मुकाबले तो खेलने, और टीम इंडिया जैसा परफॉर्मेंस कर रही है उससे वो दिन दूर नहीं जब 19 नवंबर को साल 2011 का कारनामा टीम इंडिया दोहरा दे। हिटमैन की आर्मी इस वक्त शानदार लय में नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आगामी सीरीज के लिए यादव जी के लड़के का नया रोल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हमारा मतलब है टीम इंडिया के घातक बैट्समैन 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप के बाद अगली सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस T20 सीरीज की शुरुआत 23 नवंबर से होगी। खबरों के मुताबिक हार्दिक पांड्या T20 सीरीज तक भी फिट नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी जा सकती है। ऐसी भी खबरें हैं कि एशियन गेम्स में टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी कमान सौंपी जा सकती है। BCCI के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उन्हें पूरी तरह से ये उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के जरिए वापसी करें। ये भी कहा गया कि हार्दिक की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भारत की कप्तानी के लिए पहली पसंद होंगे। फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक टीम इंडिया की कमान संभाल सकता है। ऐसा बताया गया है कि सूर्या पहली और ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालने के लिए दूसरी पसंद होंगे। हालांकि सूर्या इंदिरो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का हिस्सा है, ऐसे में वो वर्ल्ड कप के बाद तमाम सीनियर खिलाड़ियों की तर्ज पर रेस्ट लेंगे तो टीम इंडिया की कमान गायकवाड़ को सौंपी जाएगी। मतलब साफ है कि अगर सूर्या वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट नहीं करते तो उनका धमाल कंगारू टीम के खिलाफ हमें बतौर खिलाड़ी ही नहीं बतौर कप्तान भी देखने को मिल सकता है। और यहां तक कि T20 फॉर्मेट की बात है तो यादव जी के लड़के ने इस फॉर्मेट को ऐसा बदला है कि अब तो स्काई के नाम से विरोधी टीमें T20 मैच में कांप ही जाती है। मैदान के हर तरफ सूर्या की चमक देखने को मिलती है उनके बल्ले से चौके छक्के के जरिए। वहीं अपने स्काई T20 फॉर्मेट के भी बादशाह हैं। हमारा मतलब है कि इस वक्त रैंकिंग में सूर्या नंबर 1 पर काबिज हैं, यानी कि बल्लेबाजी में उनकी बादशाहत कायम है। और सूर्या T20 में कैसे आग उगलते हैं ये सभी जानते हैं। कंगारू टीम भी जानती है कि सूर्या के होते उनका भी T20 सीरीज में सफर आसान नहीं होने वाला। सूर्य कुमार यादव को बतौर कप्तान क्या आप भी देखना चाहते हैं? आपको लगता है कि बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव सफल हो पाएंगे, अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।